बमजी, आपका चैनल बहुत तगड़ा है। अच्छा, चैनल आपको हम लोग देखते हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप बमजी? हम जम्मू जिला से। जम्मू से है ना? तो देखिए कांवरिया पथ में मेरे और एक सब्सक्राइबर बमजी मिल गया, जो बोल बम हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। और पिछले ब्लॉग को मैंने बस थोड़े ही दूर पहले ही किया, और फिर से जो है एक नया ब्लॉग जो है मैं अभी प्रारंभ कर रहा हूँ। और ये लगभग कामराय चौक के पास का जगह है। यहाँ पर मैं शुरू दिन जो है आके ब्लॉग बनाया था, जिस दिन सावन का पहला दिन था उस दिन भी मैं यहाँ पर आके आप लोगों को दिखाया था, जो कि रास्ते में पानी वगैरह दिया जा रहा था। तो चलिए अब इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे के तरफ। और दोस्त लोग तो आगे के तरफ है, बोला तुम चलते रहो, हम लोग भी आगे बढ़ते रहते हैं, जब बैठेंगे आके साथ में फिर मिल जाना। तो चलिए आप लोगों को भी एक कांवरिया पथ दिखाते हुए चलते हैं। हमको तो पूरा कांवरिया पथ दिखाना है, तो धीरे धीरे चलेंगे बाबा नगरिया के तरफ। और आप लोगों को ये कांवरिया पथ का ब्लॉग कैसा लग रहा है, ये सारा जो आपने ब्लॉग देखा अभी तक वो कैसा लगा, ये जो है आप इस ब्लॉग में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए कांवरिया पथ दिखाते हुए चलते हैं बाबा धाम की तरफ। अभी हम है कामराय चौक के पास, और सड़क के बगल में रोड है। और ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, जैसा बोर्ड मैंने इससे पहले के ब्लॉग में भी दिखाया था। और ये देखिए कामराय यहाँ पर 0 किलोमीटर है, उसके बाद आपको यहाँ से आगे मिलेगा असरगंज जो कि 5 किलोमीटर है। तो चलिए आपको कांवरिया पथ पूरा दिखाते हुए बढ़ते हैं बाबा नगरिया की तरफ। और आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको पूरा कांवरिया पथ देखने को मिलेगा सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और रास्ते में इस प्रकार का आपको जो है नहाने का व्यवस्था मिल जाएगा, जहाँ पर अगर आप रुकते हैं और नहाने का मन हो तो आप वहाँ पर नहा सकते हैं। और ये देखिए आपको मैं खेत वगैरह सारा कुछ दिखाते हुए जा रहा हूँ। देखिए ऐसा ही नज़ारा आपको पूरा मिलेगा कांवरिया पथ में। अभी मैंने कांवरिया पथ के बगल में जो खेत था वो दिखाया, जो कि सूखा हुआ है, बारिश ही नहीं हो रही है, जिस कारण से जो है अभी तक धान की जो है रोपाई नहीं हो पाई है। और इधर जो है देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, पाइप से जो है सिंचाई करके धान रोपने का जो है तैयारी चल रहा है। तो इस बार का सावन ऐसे ही जा रहा है। कल थोड़ी बारिश जो है हुई थी जब हम लोग सुल्तानगंज में थे, और अभी तो मौसम अच्छा है, चलने लायक है, मतलब धूप नहीं हुई है अभी तक। लगभग हम लोग 2.5 घंटे चल चुके हैं। तो चलिए धीरे धीरे आपको पूरा कांवरिया पथ दिखाते हुए चलेंगे बाबा धाम की तरफ। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। सावन के दौरान कांवरिया पथ का नज़ारा कुछ इसी प्रकार का रहता है। पूरे कांवरिया पथ में आपको हजारों लाखों कांवरिए धीरे धीरे बाबा नगरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिए कांवरिया पथ में मेरे और एक सब्सक्राइबर बमजी मिल गया, जो कि बोल रहे हैं आपका जो है वीडियो शुरू से ही देखते चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। हाँ बताइए बमजी, आपका चैनल बहुत तगड़ा है। अच्छा, चैनल आपको हम लोग देखते हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप बमजी? हम जम्मू जिला से। जम्मू से है ना? चलिए बेगूसराय जिला से। और वो जो एक बमजी है वो बेगूसराय से है। तो कैसा लगता है ब्लॉग वगैरह जो देखते हैं आप लोग? अच्छा लगता है, बस अगर कुछ खामी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं सुधार करने का जो है कोशिश करूंगा। कंपनी वाले थोड़ा प्रचार देखिए ज्यादा बढ़ाते हैं। तो प्रचार देखिए मेरा नहीं है, वो YouTube के तरफ से आता है प्रचार। आप काम कर रहे हैं उसमें प्रचार ज्यादा से ज्यादा मजा आया हो जाता है, नहीं तो वो देखिए YouTube के तरफ से होता है। चलिए ठीक है बमजी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। हर हर महादेव। इसी प्रकार से रास्ते में मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बम दीदी बम मिलते गए, जिनसे मैंने बात किया। और किन्हीं किन्हीं को तो ब्लॉग में भी लिया, बहुत सारे जो है कैमरे के सामने बोलने से उनको दिक्कत हो रहा था, तो उनसे ऐसे ही बात करते हुए हम आगे निकले। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो देख रहे हैं वीडियो, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। और रास्ते में बहुत सारे कुछ हमको देखने को मिला, जैसे ये देखिए बांसुरी वाले ढोल वाले मिलते रहे रास्ते में। रास्ते में आपको बहुत सारे सरकारी शौचालय मिल जाएगा, और बगल में पानी का भी व्यवस्था रहता है, जैसा कि मैंने पहले दिखाया। वहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं शौच वगैरह जाने के बाद। उसके बाद आप फिर धीरे धीरे कांवरिया पथ में बाबा नगरिया की तरफ इस प्रकार से बढ़ दीजिएगा। कांवरिया पथ में बहुत सारे डंडी बम भी दिखाई देते हैं, जो कि सुल्तानगंज से बाबा नगरी के तरफ डंड देते हुए जाते हैं।
तो बाबा जो है इनकी मनोकामना को पूर्ण करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ता है इन डंडी बमों को। इस प्रकार से 105 किलोमीटर तक का यात्रा जो है तय करना कोई मामूली बात नहीं है। जो पैदल जाते हैं, हम लोग जैसे पैदल आते हैं उसी में हम लोग का हालत ख़राब हो जाता है, तो सोचिए इन लोगों को कितना परेशानी होता होगा। यंत्र द्वारा प्रचार कर आपकी मदद की जा सकती है। कोविड-19 का चला है, जो आपने देखा हम लोग किस तरह से रोड क्रॉस किए, गाड़ियाँ चल ही रही थी, ऐसा देवघर में नहीं है। वहाँ पर जो है गाड़ियों को रोक दिया जाता है, उसके बाद कांवरियों को क्रॉस कराया जाता है, फिर कांवरियों को रोका जाता है और गाड़ियों को क्रॉस कराया जाता है, जो है दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो देखने को नहीं मिला, इसमें सुधार होने की जो है जरूरत है। जिन्होंने बाबाधाम में जलार्पण कर लिया है उनको पता होगा किस प्रकार से वहाँ पर जो है रोड क्रॉस कराया जाता है सभी कांवरियों को, और यहाँ पर तो ऐसा देखने को नहीं मिला। तो जितने भी जवान हैं थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि कांवरियों को दिक्कत ना हो, गाड़ियाँ चलती रहती है, चोट वगैरह भी लग सकता है, तो थोड़ा इस जगह पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी कॉमेंट कीजिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे बाबा नगरिया की तरफ। आपको रास्ते में इसी प्रकार का बहुत सारा बोर्ड मिल जाएगा जहां पर जो है सारी दूरियां लिखी हुई रहती है, मैंने शुरू में भी आपको दिखाया था। और यहां पर से देखिए तारापुर जो है 8 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। अभी तक जो है हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए हैं और अभी जहां पहुंचे यहां से तारापुर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सुधीर साहब यहाँ से और 200 मीटर आगे है, मुझे अभी लोकेशन भेजा है, तो चलिए वहीं पर चलते हैं और सबके साथ बैठेंगे थोड़ा देर, फिर जो है आगे चलेंगे। इसी जगह का मुझे लोकेशन भेजा गया था और पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कौन से दुकान में सभी बैठे हुए हैं, उसके बाद हम भी वहाँ पर उन लोग के साथ बैठेंगे। तो ये देखिए अरविंद तो मुझे दिख गया है और बाकी बम सब किधर है वो देखते हैं। ये देखिए सब यहीं पर है। तो अभी पहुंच चुके हैं जहां पर ये दोस्त लोग बैठने के लिए चाह रहा था, बोला यहीं पर बैठेंगे, तो आते आते ही लोग बाहर में ही मिल गया। चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी पैर में नींबू का रस लगा रहे हैं, इससे होता क्या है कि आपको लहर फोंका नहीं होगा, जिससे चलने में सुविधा होगी। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, अब सबको जो है दही खा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने घर से जो पेड़ा लाया था वो खाए, और यहाँ पर दही जो है 200 रुपया किलो लिया जा रहा है। देख सकते हैं इस दही का 50 रुपया लिया बोला गया, ये 250 है, देख के तो नहीं लग रहा है। चलिए जो भी है, और प्रशासन थोड़ा ध्यान रखिएगा, रेट चार्ट भी मांगे तो यहाँ पर नहीं दिया गया, बोला रेट चार्ट हम लोग का किधर हो गया है, गल गया है बारिश में। यहाँ पर हम लोगों ने दही खाया और घर से खोआ लाए थे पेड़ा, वही सब हम लोगों ने खाया। यहाँ पर नाश्ता हम लोग का हो चुका है, अब फिर से हम लोग निकल रहे हैं आगे के तरफ। और देखिए सभी कोई यहीं पर है, तो सब कोई साथ में ही चलेंगे, लेकिन फिर सबसे पीछे मैं हो जाऊंगा क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाते हुए आगे जाना है। तो सबको यहाँ पर कांवर रखा हुआ था स्टैंड में, कांवर लेके चलेगा आगे के तरफ। तो चलिए बमजी बढ़िए धीरे धीरे। सुल्तानगंज से देवघर कांवरिया पथ का ये तीसरा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।